Assalamualaikum जी, welcome to another video. This is the Beera Buzz and you are watching the Beera Vlogs. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे. आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही जबरदस्त से टॉपिक के ऊपर. ये होने वाला है जी आपके बालों के बारे में. अब यार, ईद की सारी रिलेटेड चीजें मैं कर रही हूँ, ईद के बारे में आपको सब कुछ गाइड कर रही हूँ, तो क्यों ना आप लोगों के बाल कैसे मिस हो सकते हैं. अगर आपके ईद के कपड़े पूरे हैं, आपके जूता पूरा, आपकी ज्वेलरी है, मेकअप है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके बाल अच्छे नहीं है ना, तो सारा इमेज चला जाता है जीरो के ऊपर और सबसे ज्यादा टेंशन हो जाती है. तो अब जी, बालों का अच्छा लगना मेरी जिम्मेदारी है, अमल करना आपकी जिम्मेदारी है. तो बहुत ही एक जबरदस्त सा एक छोटा सा मास्क आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, हेयर मास्क आप लोग उसको कह सकते हैं. इस मास्क की मदद से जो आप लोगों के साथ होने वाला है ना, ट्रस्ट मी, आप लोगों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन. तो जी, इसके बारे में पहले मैं बता दूंगी क्या होगा. आपके बालों में एक इंस्टेंट शाइन आएगी, इंस्टेंट किस्म की खूबसूरत सी शाइन आएगी. बाल आपके स्मूथ हो जाएंगे, सारी ड्राइनेस और रफनेस खत्म हो जाएगी. ये हर तरह के, लाइक जैसे गर्मियों के अंदर बम बालों में बम फट जाता है ना, जो इतने बाल ऐसे फूल जाते हैं, उसका सोल्यूशन है. और स्पेशली जो कराची वाले हैं, जब मैंने कराची गई थी, तो कराची में इतना ह्यूमिड उसका वो वहाँ का एटमोसफेयर है कि बाल इस तरह हो जाते हैं, बहुत बुरे हो जाते हैं, फ्रिज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं. तो ये कराची वालों के लिए सबसे बेस्ट है. लाहौर वाले, गर्मियाँ हर जगह पर आ गई हैं गर्मियों के लिए. गर्मियों में हमें वैसे भी कोई ऐसे मास्क की ज़रूरत होती है जो हमारे बालों को कंट्रोल कर दे और हमारे बालों की रफनेस और स्मूथनेस को वापस ले आए, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना, बाल रफ हो जाते हैं. हम लोग बांध देते हैं और उसकी वजह से बालों को खिंचाव पड़ता है और फिर बाल हमारे जो है ना, वीक हो जाते हैं. तो इंस्टेंट शाइन आएगी, इंस्टेंट ड्राइनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपकी रफनेस ख़त्म हो जाएगी. और एक जो है ना मैजिकल इंग्रेडिएंट आप लोग जो है ना इसके अंदर यूज़ करेंगे, वो इंग्रेडिएंट क्या है वो आगे चल के आपको बताती हूँ कि वो क्या है. ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, लगाने का तरीका फटाफट से बता दूँ. आप लोगों ने इस मास्क को 24 घंटे के लिए अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है, यानी कि सिर्फ एक बार. ये नहीं कि महीना यूज़ करो, 15 दिन यूज़ करो, 20 दिन यूज़ करो, फिर रिजल्ट मिलेगा. ना जी ना, एक दफ़ा यूज़ करने से आप लोगों को ऐसा रिजल्ट मिलेगा. अभी मैं अपने बाल कॉम करती हूँ, फिर आपको जो है ना वो एंड पे वीडियो को दिखाती हूँ कि क्या रिजल्ट है. ठीक है, तो आप लोगों को जो है 24 घंटे आपको उसको लगाना है. जिन लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज है, 24 घंटे के लिए नहीं लगा सकते हैं, तो आप लोग जो है 12 आवर्स के लिए अप्लाई कर दें. फिर बेस्ट रिजल्ट जो है ना 24 आवर्स के अंदर आएगा, और 12 आवर्स के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर फिर भी आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है, फॉर एग्जाम्पल कल को शादी है या कल कोई आप लोगों को इफ्तारी भी जाना है, आप लोग आज मेरी ये वीडियो देख रहे हो या शाम को आपको इफ्तारी भी जाना है, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस सोल्यूशन को तैयार करो. अभी आपको सोल्यूशन में बताऊंगी किस तरह बनाना है. ठीक है, आप लोगों ने उसको जब आप लोग नहा लेते हो, बाथ लेते हो और आप लोगों के बाल शैम्पू वगैरह कर लोगे, तो उसके बाद आप लोगों ने कंडीशनर की जगह उस जो वो पेस्ट है उसको आपने अपने बालों पर अप्लाई करना है एंड जस्ट रिंस इट विद वाटर. ठीक है, कुछ भी नहीं करना है. और अगर आप लोग 24 घंटे के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उससे पहले शैम्पू अप्लाई कर दो. 12 घंटों के लिए कर दो शैम्पू, पहले बालों को कर लो, पहले बालों को वॉश कर लो, उसके बाद आप लोग जो हैं ये जो मैं पेस्ट बता रही हूँ, जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको आपने अपने बालों पे अप्लाई करना है. और आप लोग ट्रस्ट मी आप लोग अपने बालों के साथ ना प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, इतने ज़बरदस्त एक वॉश के बाद वो बाल लगने लग जाएंगे. तो इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं सारी कॉन्वर्सेशन को और चलते हैं कि हम लोगों ने उसको बनाना कैसे. ठीक है, और फिर उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है. तो कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले जी, आपको 2 कप पानी के चाहिए होंगे, वो आप प्योरीफाइड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं. मैं प्रेफर यही करूँगी कि आप लोग जो हैं वो प्योरीफाइड या बॉइल्ड वाटर यूज़ करें, क्योंकि उसमें से सारे मिनरल्स और एक्सेस निकल चुका होता है और वही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. उसके बाद जी, हमें चाहिए होंगे फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज. ये 1/4 कप लेना है, यानी कि जो कप आपने पानी का लिया है उसका 4th हिस्सा. जिनको समझ नहीं आ रही है, 4-5 टेबल स्पून जो है वो इसके ले सकते हैं. उसके बाद जी, आपने उसको पानी में डाल देना है और आपने जो है इसको चूल्हे पे रख देना है बॉईल होने के लिए. थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें स्पून से इसको हिलाते जाना है, ताकि एक स्पेसिफिक किस्म की एक थिक सी लेयर जो है वो तैयार हो जाए. आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह से जो है ये तैयार हो जाएगा. एक बहुत ही ज़बरदस्त थिक सी जो है इसकी लेयर कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी. आप देख सकते हैं जेली टाइप, स्लाइम टाइप इसका जो है वो कंसिस्टेंसी जो है इस लिक्विड की है. इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर बनाना है, बहुत ही हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है. हो सकता है हाई फ्लेम के ऊपर जो है ये जल जाए या इसके अंदर एक स्पेसिफिक किस्म की स्मेल सी पैदा हो जाए, इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है. आप लोगों ने ये तो देख लिया कि इसमें क्या डलना है और ये किस तरह बनना है.
अब बारी आती है एप्लीकेशन की कि आप लोगों ने उसको लगाना कैसे है बालों के ऊपर और किस तरह से लगाना है, कितनी देर के लगाना है, कौन सा एग्जैक्ट प्रोसीजर है इसको लगाने के लिए। तो अब हम उस तरफ चलते हैं, चल के देखते हैं कि किस तरह बालों पे अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने मास्क को अपने हेयर में अप्लाई करना है। लेट मी अनटाई माय हेयर। मैंने अपने बालों को जो है वो इस तरह से दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लिया है। अब इट इज़ प्रेफरेबल कि आप लोग पहले अपने जो बाल हैं उनको कॉम कर लें ताकि एप्लीकेशन में इजी हो, ताकि आप पार्टीशन जो है ना वो इजीली कर लें, बाल टूटे नहीं। तो ट्राई टू यूज़ एन ऑर्गेनिक कॉम्ब और सॉफ्ट कॉम्ब और सॉफ्ट ब्रश, ठीक है। तो मैंने जो है अपने बालों को आई लुक लाइक अ मासी लाइक जब मैं अपने बालों को टू पार्टीशन में डिवाइड करती हूँ। अच्छा, अब किस तरह से लगाना है, आप लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं और आप लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, इट्स लुक लाइक स्लाइम और जेली टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी, बड़ा ही मज़ेदार सा है। अच्छा, अब इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मैसी, दैट्स वाई मैंने अपने कपड़े जो है वो चेंज कर लिए। तो लेट्स पुट इट इन माई हेयर। एक्चुअली मैं कह रही हूँ कि गिर ना जाए, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सारा जो हुई पेस्ट था वो मैंने बालों पे लगा लिया और मैंने बाल कॉम्ब भी कर लिए हैं। कॉम्ब कर लें, पहले मैंने सारे फिंगर कॉम्बिंग किए हैं, देन मैंने कॉम्ब यूज़ किया है। मैंने हेयर ब्रश यूज़ नहीं किया, मैंने कॉम्ब यूज़ किया है, वो भी वाइड एंगल वाला जो हेयर कॉम्ब होता है ना वो। अब हम इनको जो है बालों को टाई अप कर देंगे इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से और बालों को खींच के टाई नहीं करना है, बिल्कुल ही फिंगर्स के साथ लूज लूज आप लोगों ने टाई अप कर लेना है। अच्छा जी, तो आफ्टर दैट यू विल नीड अ हेड कैप। अगर आपके पास हेड कैप नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास इस चीज़ का एक सोल्यूशन है और बड़ा इंस्टेंट और बड़ा जुगाड़ू सोल्यूशन है, वो है जी हमारा ये देसी सोल्यूशन शॉपिंग बैग। इसको हम जी सर पे चढ़ाएंगे एंड वी आर गुड टू स्लीप, नो वरीज अबाउट एनी स्टेन्स। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी बेडशीट और पिलोज के ऊपर जो है वो स्टेन्स ना पड़े, अम्मी की डांट ना पड़े, अम्मी की बातें ना सुननी पड़े, सिर्फ इतना सा इसका जो है वो ये इसकी रीज़न है। आप लोग अगर इसको स्किप करना चाहते तो कोई मसले वाली बात नहीं है, नहीं पहने चाहते ना पहनो, लेकिन इससे ना पहनोगे ना तो बचत हो जाएगी कसम से। अगर तो खुद धोने वाला तो फिर तो ज़रूर पहनोगे, मुझे पता है, मेरे जैसे तो ज़रूर पहनोगे, ताकि हमें फिर बाद में धोना ना पड़े, उसको मेहनत ना करनी पड़े, आराम से धुल जाए। तो ये हम लगाएंगे। अब इसको लगाना कैसे वो मैं बताती हूँ। इसको जी आपने ऐसे करके पहनना और इसको इस तरह से पीछे से जो है ना यहाँ पर रबर बैंड चढ़ा लें, पिन चढ़ा लें, चुटकी लगा लें, कुछ भी कर लें एंड यू आर गुड टू स्लीप, यू आर गुड टू गो। आई विल बैक आफ्टर 24 hours आफ्टर वॉशिंग माई हेयर, फिर मैं आपके साथ सारे रिजल्ट शेयर करूंगी एंड देन यू विल बी अमेज्ड के वाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विद यू गाइज, सो कीप ऑन वॉचिंग। अच्छा जी, तो जब आप लोगों ने ये सोल्यूशन लगा लेना है उसके बाद आप लोगों ने अपने बालों को वॉश करना है। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला जो बालों में उलझने पड़ जाती हैं, जो बाल टैंगल हो जाते हैं, वो सबसे बड़ा सोल्यूशन कि वो सॉल्व हो जाएगा। बड़े आराम से यूं फिंगर्स आप लोग फेरोगे और आपके बाल आराम से, आप लोग नोट करना शुरू कर देना कि जो बाल पहले आप कॉम करते थे उसमें जितने बाल टूटते थे और फिर जो बाल में बाल टूटते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस, ठीक है जी। और इंस्टेंट शाइन मिलने वाली है कि मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा सोल्यूशन यही कि अगर हमें कहीं जाना है और हमारे पास कुछ नहीं है, यार अगर आप लोगों के पास शैम्पू करने का टाइम नहीं है ना और आप लोग इसको अगर इसे पेस्ट बनाया हुआ, या 5 मिनट लगते हैं इस पेस्ट को, 10 मिनट लगते हैं इस पेस्ट को बनाने में, ठीक है, आप उसको फटाफट ठंडा करो और उसको अप्लाई करके बाल वॉश करके ब्लो ड्राई कर लो और क्या कमाल शाइन आएगी। ये मैंने अपने बालों को 24 घंटे सोल्यूशन लगाने के बाद ये मेरा रिजल्ट है। मैं अभी बाल ज़रा कॉम कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या ज़बरदस्त किस्म का जो है ना रिजल्ट आया। ये देखें, चेक करें, शाइन चेक करें कि क्या कमाल शाइन है, बहुत ही ज़बरदस्त शाइन, बाल इस कदर सॉफ्ट और स्मूथ, सारी रफनेस गायब, यानी मेरे बाल जो है ना
पहले दिन नहाने के बाद जिस दिन मैं नहाती हूँ ना, उस दिन मेरे बाल थोड़े से फ्रिज हुए होते हैं। पहले बहुत ज़्यादा फ्रिज हुए होते थे, उसका वजह ये थी कि मैंने फिर शैम्पू चेंज किया। मैं जो है वो शैम्पू चेंज करके मुझे उससे ज़रा फ्रिज कंट्रोल हो गया, लेकिन फिर भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा फूले हुए होते हैं। दूसरे दिन जाकर थोड़े से कंट्रोल में आते हैं, तो इससे मेरा फ्रिज कम हुआ है, मेरे बाल की बालों की रफनेस ख़त्म, मेरे बालों में इतनी ज़बरदस्त किस्म की शाइन। और अभी ना मैं रात में वीडियो बना रही हूँ सनलाइट के अंदर, अगर आप लोग जो करोगे, आप लोग सनलाइट में अपने बाल देखना, इस कदर अच्छे लगेंगे, इतनी प्यारी शाइन आएगी। और अगर असल शाइन देखनी है ना, तो बालों को ना चुटिया कर लें, उसके बाद आप शाइन चेक करेंगे आपके बालों में कितनी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आएगी। तो इसको ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताना है, एक बार में आप लोगों को रिजल्ट नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। तो कमेंट सेक्शन के आगे मुझे बताना है इस वीडियो को आगे सब फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ, कजन्स के साथ, बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, मामू के साथ, मामू ये हाँ। और ये सबसे बड़ी बात कि ये जेंट्स और लेडीज सब यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो है इसको अपने जो है, मैं उसका रिजल्ट अभी मेरे पास नहीं है दिखाने के लिए, इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी या मैं फिर इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी लगा दूंगी कि आप लोग जाकर देखना कि मैं अपने हस्बैंड के बालों पे भी ये अप्लाई करूंगी। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना, क्योंकि मैंने अपने बालों पर लगाया था, थोड़ा सा बच गया, उनके बालों पर भी मैंने लगा दिया और वाकई में उनके बालों में बहुत ज़्यादा, स्पेशली मर्दों के बालों में ना बहुत जल्दी जो है वो रिजल्ट नज़र आता है। मेरे बालों से ज़्यादा रिजल्ट उनके बालों में नज़र आया। तो आप लोग जाकर ज़रूर ट्राई करें, इस वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आई हो, जाके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं कि आपको ये जो है रेमेडी कैसी लगी है। ट्राई करके मेरे साथ रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर फोटोज़ लेंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर दीजिएगा। तो मिलूंगी अब मैं अगली वीडियो के साथ किसी अच्छी से आइडिया के साथ। अगर आपके पास कोई आइडिया हो या आप लोग कुछ चाहते हैं कि इस रिलेटेड मैं कोई ऐसी इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।